आज बताएंगे कि बर्तन स्टैंड को कैसे फिटिंग करते हैं। हमारे पास से 30x30 की बर्तन स्टैंड दिव्या कंपनी की, उसको पूरा फिटिंग करना बताएंगे। हमारे वीडियो को पूरा देखे, अंत तक देखे। माय यूट्यूब चैनल द फालू में एक बार फिर से स्वागत। आज हम फिट करने जा रहे बर्तन जाली, जैसे कि आप देख पाएंगे कि हमारे साइज, हमारे पास है 30x30 की बर्तन साइज, सेकेंड साइज होती है बर्तन स्टैंड में, दूसरे नंबर की साइज होती है 30x30। उसको फिटिंग करेंगे, उसका कंप्लीट रिव्यू हम बताएंगे। आप पूरा देखिए, अंत तक देखिए, स्टेप बाय स्टेप हमारे सभी वीडियो आएंगे, बर्तन स्टैंड हर साइज के वीडियो आएंगे। बिना टाइम वेस्ट किए बॉक्स को करते हैं ओपन। प्लीज बॉक्स को खोलिए। इस तरह से बॉक्स खोलेंगे, बॉक्स की पैकिंग मटेरियल अलग अलग रह सकती है, पैकिंग मटेरियल पे ध्यान न दे। कोई अखबार लपेटा आता है तो कोई कागज में आता है, कोई पेपर प्लास्टिक का पन्नी में आता है। हमारे पास दिव्या क्वालिटी, दिव्या कंपनी का काफी अच्छा बर्तन स्टैंड है, उसको फिटिंग करना पूरा बताएंगे। ये पट्टी लगी होती है और इसकी पैकिंग की बात करें तो पैकिंग काफी अच्छी आती है, उसको भी काट देंगे पूरा, पूरी तरह से हम पूरा ओपन या कर देंगे और पूरा खोल रहे, चाकू की सहायता से इस पट्टी को भी हटा देंगे। पूरी तरह से अपना ओपन खोल दिया और सभी पार्ट्स को पीछे की तरफ या एक साइड में कर देंगे ताकि मिक्स नहीं हो, और सभी पार्टीशन को मैं पीछे की साइड में रख रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं हो। और इसमें नट बोल्ट आते हैं, नट बोल्ट को भी एक साइड में कटोरी में रख देंगे, या कोई बॉक्स हो तो बॉक्स में रख दे। ये नट पैकिंग आता है, इसमें एल भी आते हैं और हर साइज के नट आते हैं। मोहन भाई के हाथ में नट है और हितेश भाई पार्ट्स को पीछे करते हुए इनके लिए एक तो बनता है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इनका जोश और हौसला ऐसे ही बढ़ता रहे। फिलहाल के लिए और सभी भाग को पीछे की तरफ रख दिया है, और दो भाग हम सेम पार्टीशन आते हैं उसको हम रखेंगे पास में। जैसे कि आप वीडियो में देख पाएंगे कि हमारे पास ये दो कटे हुए भाग, मोहन भाई इसको पकड़िए, ये देख पाएंगे कि मेरी तरफ लाइए, ये कटा हुआ पार्टीशन दोनों तरफ रहता है, ये जो थोड़ा हल्का सा कटा हुआ भाग है ये दोनों आमने सामने रहेगा, और दोनों साइड वाले पार्टीशन है उसको सबसे पहले लेने का है और उसको फिटिंग करना बताएंगे। और उसके बाद में पार्ट्स लाएगा मोहन भाई, जो इसके टॉप पार्ट जो ऊपर रहता है वो पार्ट्स लाएंगे। ऊपर वाला पार्ट्स लाइए और ऊपर वाले पार्ट्स को हम फिटिंग करके बताए। ये ऊपर का पार्टीशन रहता है और अभी हमारे पास है, और ऊपर के पार्टीशन को कैसे पहचाने क्योंकि उसमें ज्यादा छेद रहेंगे, 1 2 3, और यह बाजू भी देखेंगे तो 1 2 3 चारों बाजू छेद रहते हैं, वो ऊपर पार्टीशन रहेगा और ऊपर की तरफ हम फिटिंग कर लेंगे। मोहन भाई और हितेश भाई फिटिंग कर रहे हैं, ऊपर वाले पार्टीशन को हम फिटिंग कर रहे हैं, एल की सहायता से हम फिटिंग करेंगे। और ये हमारे पास एल होते हैं और उसको चार एल होते हैं, चारों बाजू हम इसको टाइट करेंगे ताकि हिलने की समस्या नहीं होगी। और मोहन भाई को अभी मैं एल दूंगा, एल चारों बाजू में फिट करेंगे और एल की सहायता से पूरा टाइट करेंगे, और सामने वाला हितेश भाई करेगा और एक मोहन भाई करेंगे और फिटिंग कर रहे हैं। मोहन भाई ने ये एल पूरी तरह से फिट भी कर दिया और पीछे की टाइट से टाइट भी कर दिया है, और ऐसे का ऐसा मोहन भाई पीछे वाला भी एल फिटिंग कर दीजिए। पीछे वाला जो एल पे हाथ रख के जो बताई हमने टाइट किया उसको एकदम टाइट कर दे। इस तरह से इस तरफ के दोनों एल फिटिंग हो चुके हैं और पूरे कंप्लीट टाइट भी कर दिए हैं। और मोहन दूसरे बाइट में एक चीज का ध्यान रखने का है, जो एल आता है दूसरे भाग में उसमें एक होल ज्यादा आएगा, उस साइज का ध्यान रखने का। ये एक्स्ट्रा होल है जो सामने वाले पार्ट्स में जो खड़ा पार्ट से कटा हुआ उसमें एक्स्ट्रा होल होगा, वह फिटिंग करने का। जैसे कि हितेश भाई फिटिंग कर रहे हैं, वह आपको फिटिंग करने का, वह पास पास में दो होल आपको नजर आएंगे, वह फिटिंग करने का ताकि ये जाली एकदम कंप्लीट फिटिंग हो जाए। हितेश भाई फिटिंग कर रहे हैं, वह आपको करते जाने का। अंतिम राय एल उसको भी फिटिंग कर देंगे, या हितेश भाई उसको भी फिटिंग कर दिए, सबसे लास्ट वाला एल है उसको भी नट की सहायता से, तीन नट की सहायता से पूरा टाइट कर लेंगे ताकि हिलने की समस्या बिल्कुल नहीं आए, पूरा फिट और टाइट कर लेंगे। इस तरह से अपने चारों एल फिटिंग हो गया, और अपनी फ्रेम जो आप देख पाएंगे, हितेश भाई हाथ गई और फ्रेम पूरा तैयार हुआ, उनको बताइए, हाथ पूरा हटा दीजिए और ये फ्रेम हमारी पूरी तैयार हो चुकी है। जैसे भी आप वीडियो में देखेंगे कि ये हमारी फ्रेम तैयार हो गई है, और उसका अगला पार्ट्स लाएंगे, मोहन भाई उसका अगला पार्ट्स लाइए, उसको फिटिंग करना बताइए। ये होता है उसका अगला पार्ट जो बीचों बीच में रहेगा, और उसमें कंफ्यूज होने का कुछ बात नहीं है, और उसको कैसे सेट करने का वो हम बताएंगे। सबसे पहले ये आपको ये ऊपर का टॉप भाग अपने या ऊपर की टोपी देखने को मिल जाएगी, वो ऊपर की साइड में रहेगी। वीडियो में मैं कवर करना चाह रहा हूँ, ये सबसे ऊपर रहेगा। और दूसरी बात है इसको ऐसे रखने का कि ऐसे रखने का, इस बात का कैसे पता करे, इसको पता करने के लिए सबसे भाग आपको ऐसे घुमाने का, जिस तरफ आपको ज्यादा छेद दिखे, 1 2 3 4 5 6 7 8, उस तरफ उसका मुंह नहीं रह के सामने ऐसे इसका मुंह रहेगा,
जो चेहरा आगे वाला भाग है वो इस तरफ से रखने का। अगर आपको समझ में नहीं आता तो वीडियो में हमने जैसे स्टेप रखा है वैसे वैसे आपको रखते जाने का, जैसे अंदर वाला भाग और इसके अंदर वाला भाग आमने सामने रहेगा, ना कि फेस टू फेस रहेगा। और वीडियो में फिटिंग करते वैसे वैसे आपको करते जाने, नट की सहायता से उसको पूरा टाइट कर देंगे, दोनों बाजू नट लगते हैं उसकी सहायता से हम फिटिंग करेंगे। मोहन भाई और रितेश भाई फिटिंग कर रहे हैं। इस तरह से अपने बीच वाले पार्टीशन को भी फिटिंग और टाइट कर दिया है, और अगले पार्टीशन को लाएंगे। इसमें कटा हुआ छोटी सी प्लेट रहती है, मोहन भाई बताइए आगे, और ये प्लेट रहती है उसको फिटिंग करिए और फिट करने लग दिए। तीन स्क्रू की सहायता से उसको पूरे टाइट करेंगे, तीन इस बाजू और तीन इस बाजू नट रहते हैं। और वीडियो में जैसे फिटिंग करता है वैसे के वैसे करते जाने के, जैसे ये उल्टा फिटिंग कर रहे हैं तो वैसे ही आपको करते जाने, क्योंकि इस बर्तन स्टैंड को बनने के बाद में आपको घुमा देंगे तो ताकि ये सीधा हो जाएगा। आपको वीडियो में जैसे करते जाना है वैसे ही करने का, एक्स्ट्रा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और मोहन भाई के लिए एक लाइक और हितेश भाई के लिए एक कमेंट जरूर करें, और उनका पूरा सहयोग जा रहा है इस बर्तन स्टैंड में। इस तरह से इसको भी पूरा फिटिंग और टाइट कर दिया है, और भी लाएंगे इसका अगला वाला भाग। ये भी सेम पार्टीशन रहता है, जैसे नीचे वाला भाग है अभी फिटिंग किया वैसा का वैसा सेम रहता है, उसके नीचे ही उसके ऊपर की और फिटिंग कर देंगे। तीन स्क्रू इसमें भी लगेंगे, किसी में दो लगते हैं किसी में तीन लगते हैं, जितने स्क्रू की साइज है उसके हिसाब से आप फिटिंग कर देंगे। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है, आपका सपोर्ट हमेशा के लिए आपका स्नेह रहेगा, और ऐसे ही वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे। और इस भाग को भी पूरा फिटिंग कर दिया है, ये भाग भी हमने टाइट और फिटिंग कर दिया। अभी अगला वाला भाग लाइए, अगले वाला कौन सा भाग रहेगा वो आपको बताएंगे। अगले वाले भाग में आपके पास में दो जालियां रहेगी, जैसे कि वीडियो में देख पाएंगी कौन सी जाली फिटिंग आगे करने की है, कौन सी साइड पीछे की और करने का है। और सबसे वीडियो में देख पाएंगे कि ये आपको प्लेन जाली देखने को मिल जाएगी, सीधा नट के साथ में फिटिंग होगी, इसमें बड़े स्क्रू लगेंगे और वो पीछे की साइड में रहेगी। और ऐसी की ऐसी एक सेम जाली रहती है जिसमें यहाँ से चीरे मुड़े हुए होते हैं, और किसी में सीधे भी होते हैं किसी में मुड़े हुए होते हैं, कंफ्यूज होने का कोई बात नहीं, ये आगे की तरफ रहेगा। सबसे पहले उसको पीछे फिटिंग कर देंगे, और स्क्रू की बड़े स्क्रू लगेंगे इसमें, क्योंकि थोड़ी सी हल्की सी ये पाइप टाइप आती है तो इसमें बड़े स्क्रू टाइट होंगे, और टाइट चार स्क्रू की सहायता से उसको पूरा फिटिंग कर देंगे। ये पूरी फिटिंग कर दी और टाइट भी कर दी है, अभी अगला वाला भाग कौन सा रहेगा वो बताऊंगा। जैसे अभी बताया वैसा वैसा सेम ये भाग आपको आगे रखने का, जैसे पीछे फिटिंग किया वैसे के वैसे उसको फिटिंग करेंगे, और इसको थोड़ी आगे रखेंगे, और इसमें जहाँ स्क्रू के इसके छेद या होल दिए हुए हैं इसमें नट की सहायता से हम फिटिंग कर देंगे। हितेश भाई इसको थोड़ा सा आगे लाइए, थोड़ा नीचे, हाँ इस साइड या फिटिंग होगा, और स्क्रू की सहायता से हम पूरा फिटिंग कर देंगे उसको। इस तरह से इसमें भी स्क्रू फिटिंग करेंगे, जैसे वीडियो में करते जा रहे हैं, चार स्क्रू होता है वो फिटिंग भी कर दिया और टाइट भी कर दिया है। इस तरह से इतना आधा भाग अपना काम हो चुका है। अभी अगला वाला कौन सा पार्टीशन रहेगा, कैसे फिटिंग करने का पूरा दिखाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा उसके लिए समझ आते हैं, लेकिन वीडियो को पूरा देखे, अंत तक देखे। अभी आपके सामने ये कटा हुआ बीच से भाग रहेगा, वो पीछे की साइड में रहेगा, जहाँ आपको गैप दिख रहा है वहां पीछे की साइड में रहेगा। जैसे वीडियो में फिटिंग कर रहे हैं वैसे वैसे आपको करते जाने का है। वो कटे हुए भाग को बीचों बीच में रखने का, जो एंगल बीच वाला भाग है उसमें डाल दिया। वापस एक बार इसको ऊपर कीजिए, पूरी जाली को ऊपर करके बताइए, ये पूरी जाली को ऊपर की और वापस फिटिंग करके बताएंगे, हाथ से फिटिंग करके बताओ। हाँ ये पूरी फिटिंग करके बताइए, इसमें जहाँ आपको स्क्रू दिख रहे वहां बड़े स्क्रू लगेंगे, एक दो छोटे भी स्क्रू लगेंगे, और जहाँ बड़े लगे वहां बड़े स्क्रू से अपन को पूरा टाइट करने का है। और जैसे करते आप देखते जाइए, पूरा टाइट कर दिया है स्क्रू की सहायता से, ये पूरा टाइट कर दिया है। और भी बताएंगे कि इसके अगले वाला भाग कौन सा है वो लाइए। सेम कटा हुआ भाग ही होता है, जैसे कि आप वीडियो में देखेंगे यहाँ से बीच कटा हुआ भाग होता है वो फिटिंग करेंगे। जैसे पीछे वाला भाग किया वैसे के वैसे आपको इसको फिटिंग करने का, और जैसे वीडियो में रख रहा है वैसे ही आपको रखने का है, और स्क्रू की सहायता से उसको पूरा टाइट कर देने का है। और मोहन भाई और हितेश भाई टाइट कर रहे हैं, वैसे वैसे आपको टाइट कर देने का है। हितेश भाई रायप्रिया और मोहन भाई हातल दोनों फिटिंग कर रहे हैं, और नट की सहायता से पूरा टाइट भी कर देंगे। और इस भाग को भी हमने पूरा टाइट कर दिया है, और पूरा टाइट एकदम कस दिया है ताकि हिलने की समस्या नहीं हो गई। मैं टाइट बार बार कसने की इसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हिलेगा नहीं, जितना आप ढीला रखेंगे तो हिलने की प्रॉब्लम आएगी हल्का सा, लेकिन जितना टाइट रखेंगे तो आपको में दिक्कत नहीं आएगी। अभी हमारे पास रह जाता है सबसे अंत और लास्ट वाला भाग, और उसको फिटिंग करना, और कैसे फिटिंग करेंगे उसके बारे में बताएंगे। ये रहता है हमारे पास सबसे अंतिम भाग, या बोल सकते हैं लास्ट भाग है, उसको कैसे रखने का वैसे बताएगा।
जो आप कटे हुए चीरे है उसकी तरफ ये जो चम्मच वगैरह रहता है वो भाग रहेगा, जो सबसे मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में बताए थे कटे हुए भाग रहते दो चीरे उस तरफ से, या वीडियो में कैसे रखा है पार्टीशन सबसे बेस्ट वैसे ही आप रखते जाइए, वीडियो में रखा वैसे के वैसे रखने का, और नट की सहायता से उसको फिट कर देंगे। और इसमें दो एल भी लगते हैं ऊपर के भाग में, दो एल लगेंगे ताकि बिल्कुल हिलेगा नहीं, पूरी तरह से फिटिंग हो जाएगा। नट को भी हमने कर दिया फिट, और अभी रहेगा दो एल, दोनों एलो को फिटिंग कर दीजिए, हितेश भाई और मोहन भाई दोनों एल को फिटिंग कर देंगे। और इस तरह से लगभग हमारा बर्तन स्टैंड फिटिंग हो चुका है, और एल फिटिंग होने के बाद में उसको वापस हम नट की सहायता से पूरा टाइट कर देंगे, और इस तरह से कंप्लीट बर्तन स्टैंड फिटिंग कर दिया है। और भी बर्तन स्टैंड के जुड़े हुए वीडियो देखना तो हमारे यूट्यूब चैनल में जाके सब साइज के वीडियो आपको देखने को मिल जाए, आपके हिसाब से जो साइज है वो सिलेक्ट कर सकते हो। और इसमें पूरा श्रेय जाता है हितेश कुमार रायपुरिया और मोहन भाई हातल को, जिसमें पूरा सहयोग दिया बनाने में, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया करता है द फाली यूट्यूब चैनल। इस तरह से हमने पूरी ये बर्तन जाली पूरी कंप्लीट फिटिंग कर दी है, अभी हमने पूरी आप देखेंगे सब नटों को भी एकदम फिटिंग कर दिया है। अभी ये जाली हमने उल्टी रखी हुई है, उसको सीधा करेंगे ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। मोहन भाई इसको कर दीजिए सीधा, और ये बर्तन जाली हमने पूरी सीधा कर दी है, जैसे कि आप वीडियो में देख पाएंगे कि ये कंप्लीट 30x30 की बर्तन साइज हमने पूरी फिटिंग कर ली है। इसमें 9 थालियां आती है रखने की, जैसे कि आप देख पाएंगे। अभी हम कुछ नट है जो हमारे से टाइट नहीं हुए या वीडियो बताते हुए, उस नटों को भी टाइट कर देंगे ताकि ये हिलने की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाए। मोहन भाई और हितेश भाई से रिक्वेस्ट है ये नटों को पूरा टाइट कर दे ताकि ये हिलने की समस्या, अगर कोई कस्टमर लेके जाता है तो उसमें वो हिलने की या लूज पन की समस्या नहीं रहेगी। सभी नटों को धीरे धीरे चोट चोट के एक एक फिट कर ले, नीचे वाले नटों को भी फिट कर दे। इस तरह से पूरे नटों को हम फिट कर लेंगे। अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और इस तरह से पूरी कंप्लीट हमने फिटिंग कर दी है, हितेश भाई और मोहन भाई की रिक्वेस्ट से पूरी टाइट कर ली है। और हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।